अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बात करना चाहूँगी एक उबटन के बारे में, जो कि 7 हर्बल उबटन है। ये देखें, और ये कुछ इस तरह से आता है, जो कि क्लेम करता है कि आप 15 मिनट इसको लगाएं और देन आपकी जो स्किन है, आपका जो फेस है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। इसको मैंने यूज़ किया, इसके रिज़ल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। गर्मियाँ या सर्दियाँ आप लोग ज़रूर इसको परचेज़ करें और इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। इसकी जस्ट प्राइस है 70 रुपीज़, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये आपके जो आइस के नीचे बॉल्स होते हैं उसको क्लियर करता है, हाथों पे ये जो उंगलियों का ऐसे कालापन आ जाता है उसको ख़त्म करता है। नेक पर आप इसको इस्तेमाल कर सकती हैं, पिंपल्स के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। पाँव के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं, गर्दन के लिए, और ब्लैक हेड्स के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और इसके बहुत से फ़ायदे हैं। ये मैं आपको बता देती हूँ अंदर से कैसा होता है। ये एक पेपर होता है जिसमें सब कुछ लिखा होता है कि इसे हम किस चीज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फ़ायदे क्या हैं। ये उर्दू में है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और जब भी आप कोई चीज़ लिया करें, परचेज़ किया करें, तो प्लीज़ आप उसके अंदर जो ये पेपर होते हैं उसको ज़रूर पढ़ा करें। इससे हमें बहुत ही ज़्यादा जो है वो हेल्प मिलती है। और ऐसे ही नहीं आप चीज़ लाया करें और बस उठा के तो उसको इस्तेमाल के लिए ऐसे नहीं किया करें। अब हम बात करते हैं इस की ट्यूब के बारे में। ये बहुत ही अच्छी है, इसको आपने जस्ट ओपन करते हैं तो ये क्रीमी सा जो है इससे एक टेक्सचर जो है वो बाहर आएगा, और ये बहुत ही अच्छा है। इसको अप्लाई करने के तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। इसको आपने अप्लाई कैसे करना है, इसको अप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपका चेहरा बहुत अच्छा हो, नीट एंड क्लीन हो। उसके बाद आप इसको अप्लाई करें चेहरे को एक अच्छे फेस वॉश के साथ या किसी सोप के साथ आप इसको वॉश करें, और अच्छे तरीके से चेहरे को साफ़ करने के बाद आप चेहरे पर इसकी लेयर कर लें। ना वो ज़्यादा मोटी हो ना पतली हो, दरमियानी से आप लेयर लगा लें और इसको 15 मिनट्स के लिए आप छोड़ दें। उसके बाद आपने इसको वॉश कर लेना है। थोड़ा सा स्क्रबिंग कर सकते हैं आप, लेकिन जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो प्लीज़ स्क्रबिंग अगर करते हैं तो बहुत कम टाइम के लिए किया करें। कम टाइम से मराद ये है कि 1 मिनट के लिए। सेंसिटिव स्किन वाले बहुत ही हल्के हाथों के साथ, फिंगर टिप्स के साथ किया करें। इसको आप इस्तेमाल करें, इसको आप परचेज़ करें और इसके रिज़ल्ट मुझसे शेयर करें। मैं इसको गर्मियों में भी यूज़ करती हूँ और सर्दियों में भी इसको मैं यूज़ करती हूँ, और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इससे जो मेरी ज़ाती राय है वो ये है कि चेहरे पर एक बहुत ही अच्छी किस्म का ग्लो आ जाता है, बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है, फेयर हो जाती है। आपके चेहरे पे जो दाग धब्बे होते हैं उनको बहुत हद तक ख़त्म करती है, डिम तो करती है, लेकिन आप इसका रेगुलर यूज़ करेंगे तो जो भी निशानात होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, स्किन फेयर होगी, आपका कम्प्लेक्शन जो है वो लाइटन होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शर्त यही होती है कि आप जब भी कोई चीज़ इस्तेमाल करती हैं तो आप उसको रेगुलर किया करें। ऐसा नहीं किया करें कि बस एक दफ़ा आपने यूज़ की है उसके बाद आप उसको छोड़ दें, ऐसे कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता। और ये उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको बता दूं, मैं इसको स्टार्स देना चाहूँ तो इसको मैं दूंगी 10 out of 10। मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है और इसके रिजल्ट्स भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं। आगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्टार्स मेंशन करती होती हूँ कि ये मैंने चीज़ परचेज़ की है और मुझे कैसी लगी है। लेकिन अब मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ वीडियो में इसको शेयर करूँ। आखिर में आप सब फ्रेंड्स के साथ एक
रिक्वेस्ट, जो लोग मेरी वीडियो को वॉच कर रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, अपनी राय का इजहार दें, आपको कोई चीज़ पसंद आ रही है, कोई चीज़ आप देखना चाह रहे हैं, आप अपनी राय का ज़रूर इजहार किया और मेरी वीडियो को शेयर भी किया करें। आखिर में बहुत अच्छी बहुत प्यारी सी बात, प्लीज़ प्यार करें उन लोगों से जो लोग आपके प्यार के मुस्तहिक हैं, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।